हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सनीजर टेक में। मैं हूं आपका सनीजर। तो दोस्तों, इंट्रो से आपको पता चल ही गया होगा कि हम आज बात करने वाले हैं एप्पल के नए आईपैड प्रो, जो कि एप्पल ने रिलीज किया है M1 चिपसेट के साथ। दो वर्जन रिलीज हुए हैं, 11 इंच और 12.9 इंच। तो मैंने ऑर्डर किया था 12.9 इंच वाला, बिकॉज इसके अंदर आपको इन कंपेरिजन टू 11 इंच नया मिनी LED डिस्प्ले मिला है। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में बात करेंगे इसके कुछ फीचर्स के बारे में, क्यों मैंने इसको ऑर्डर किया है और क्या आपको इससे बेनिफिट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं डिजाइन की। अगर डिजाइन को कंपेयर करें तो सेम ही डिजाइन है पिछले दो जनरेशन से। यह है 2018 का iPad Pro 12.9 इंच में, और सेम ही अगर इस साल 12.9 इंच का हम iPad देखते हैं तो डिजाइन में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, सेम ही डिजाइन है। थोड़ा थिकनेस में थिकनेस बड़ी है, बिकॉज बड़ी बैटरी मिली है, बिकॉज M1 चिपसेट है जो काफी पावरफुल चिपसेट है, तो बड़ी बैटरी दी है इस साल एप्पल ने। उसके बाद में दोस्तों, डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले अगर आप कैमरा के ऊपर देखेंगे तो आपको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पता लगेगा, बट इन रियलिटी आपको काफी ब्राइटनेस मिली है डिस्प्ले के अंदर, थैंक्स टू मिनी LED। और अगर दोस्तों स्पीकर्स की बात करें तो सेम ही स्पीकर सेटअप मिला है जो आपको पिछले दो जनरेशन से मिलता आ रहा है। तो दो स्पीकर आपको टॉप पे मिले हैं और दो स्पीकर आपको इसके बॉटम में देखने को मिलेंगे। तो फाइनली, जी हाँ दोस्तों, फाइनली एप्पल ने दिया है अपना थंडरबोल्ट पोर्ट आपको इसके अंदर, जो कि आपको कैपेबल करेगा अप टू 40 GB/s डेटा ट्रांसफर करने के लिए। तो ये एक बहुत बढ़िया फीचर एप्पल लेके आया है। उसके बाद में दोस्तों, अगर बात करें जो कि मेन रीज़न है कि मैंने अपने iPad Pro को अपग्रेड किया है 2018 से, वो है इसका M1 प्रोसेसर। तो M1 अगर प्रोसेसर की बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर आपको मिलेंगे 8 कोर के GPU और 8 कोर का CPU, और उसके अलावा इसके अंदर है 16 कोर का न्यूरो इंजन। तो मतलब कि जो परफॉर्मेंस मिलने वाली है, अगर वीडियो एडिटिंग की बात करें, रेंडरिंग की बात करें या फोटो एडिटिंग की बात करें, तो फ्लॉलेसली काम करेगा। गेमिंग की अगर बात करें तो 8 कोर का GPU है, तो बहुत ही बढ़िया आपको गेमिंग परफॉर्मेंस मिलने वाली है। हैवी गेम्स भी आप फ्लॉलेसली इसके ऊपर खेल सकते हैं। ऑलरेडी 2018 का iPad Pro काफ़ी पावरफुल है। जितना भी आउटडोर में रहते हुए मैं काम करता हूँ, स्पेशली वीडियो एडिटिंग या रेंडरिंग, वो सारा इसके ऊपर होता है। तो मैं काफ़ी फेमिलियर हूँ iPad को यूज़ करने के लिए। iPad जो OS है वो थोड़ा लिमिटेड है इन कंपेरेटिव टू डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप, बट फिर भी मैं पिछले 2.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ iPad को। मेरे को काफ़ी ईजी हो जाता है सारा का सारा इसके ऊपर अपना काम करना। बात करें वीडियो एडिटिंग की, तो लूमा फ्यूजन मैं यूज़ करता हूँ अगर iPad के ऊपर मैंने क्रिएट करना है कुछ। उसके बाद मैं लाइट रूम के ऊपर मैं अपनी फ़ोटोज़ एडिट करता हूँ, और बड़ी बड़ी जो रेंडरिंग्स हैं, हैवी रेंडरिंग्स, वो काफ़ी स्ट्रगल करता है अगर बात करूँ iPad 2018 की, जो इसके ऊपर नहीं करेगा, बिकॉज M1 प्रोसेसर वो काफ़ी पावरफुल है। उसके बाद में फ़ोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग का जो कंपेरिजन है वो आने वाले व्लॉग के अंदर करेंगे आपको। सो बात करते हैं कि यार पावरफुल है, कैसे पावरफुल है। तो इसके लिए मैं आपको गीक बेंच स्कोर बताता हूँ। गीक बेंच स्कोर की अगर बात करें दोस्तों, 2018 का जो iPad Pro है उसके अंदर आपको मिला था A12X प्रोसेसर, जो कि एप्पल का खुद का सिलिकॉन है। और इसका अगर सिंगल कोर का मैं अगर आपको स्कोर बताऊं तो 1156 इसका सिंगल कोर का स्कोर था। और पिछले साल का जो iPad Pro आया था उसमें भी एप्पल ने A12Z प्रोसेसर दिया था, तो सेम ही सिंगल कोर का स्कोर था। अगर इन दोनों पिछले जनरेशन को इस साल के iPad Pro के M1 चिप से कंपेयर करते हैं तो इसका Geekbench का सिंगल कोर का स्कोर है 1718, तो ऑलरेडी 600 मोर है पिछले दो जनरेशन से। उसके बाद में दोस्तों, अगर मल्टी कोर के स्कोर की बात करें तो 2018 के प्रोसेसर का जो मल्टी कोर का स्कोर था वो था 4805, और पिछले साल का जो iPad Pro का अगर मैं स्कोर बताऊं मल्टी कोर का, वो ऑलमोस्ट सेम ही स्कोर आपको उसमें भी देखने को मिला था। और इस साल के M1 चिप वाले iPad Pro की अगर मैं बात करूं मल्टी कोर के स्कोर की, तो वो है 7284, जो कि दोस्तों अगर बात करें MacBook Pro 16 इंच से भी ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी आप वीडियो एडिटिंग या फोटो एडिटिंग करेंगे वो फ्लॉलेसली इसके ऊपर होगी, हैवी फाइल्स भी आप इसके ऊपर एडिट कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, जब आप इसके ऊपर वीडियो एडिट्स करेंगे तो कैसा दिखने में लगेगा उसकी बात करें तो इसके अंदर दोस्तों एप्पल ने दिया है, स्पेशली 12.9 इंच के अंदर ही एप्पल ने दिया है आपको
मिनी एलईडी डिस्प्ले, 10,000 मिनी एलईडी को यूज़ करके इस डिस्प्ले को क्रिएट किया गया है और 2500 डिमिंग जोन के अंदर इन 10,000 मिनी एलईडीज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो कि आपको बहुत ही ब्राइट डिस्प्ले देता है। इन कंपेयर अगर बात करते हैं 2018 या 2020 के, तो इसके अंदर आपको 600 निट्स का ब्राइटनेस मिला था, इसके अंदर आपको मिला है 1000 निट्स का ब्राइटनेस। और अगर पीक ब्राइटनेस की बात करें, मतलब कि HDR कंटेंट जो आप इसके ऊपर क्रिएट करेंगे, तो आपको 1600 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलने वाला है इसके अंदर। तो सेम ही डिस्प्ले है जैसे आपको एप्पल के हायर एंड XDR प्रो डिस्प्ले के अंदर मिला था, तो सेम ही फील आपको इसके अंदर मिलेगी और काफ़ी नज़दीक है ये OLED डिस्प्ले के। तो कंटेंट जो आप इसके ऊपर देखने वाले हैं या वॉच करने वाले हैं, तो बहुत ही मस्त फील आने वाली है आपको। उसके बाद में दोस्तों, इस साल एप्पल ने फ्रंट में दिया है आपको अल्ट्रा वाइड एंगल का कैमरा, जो कि कैपेबल करता है उनके नए फीचर को, जिसको उन्होंने नाम दिया है सेंटर स्टेज का। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप किसी कॉल के ऊपर होंगे या जूम के ऊपर मीटिंग कर रहे होंगे, तो अगर आप मूव भी करेंगे तो कैमरा जो है अपने आप एडजस्ट करके आपको सेंटर में रखेगा, इसलिए इसका नाम सेंटर स्टेज दिया गया है। तो बेसिकली ये क्रॉप होके आपको एडजस्ट करेगा, अगर कोई आपके उस कॉल के अंदर आपके साथ आता है तो ये खुद ब खुद एडजस्ट करके उसको वाइड एंगल पे रखेगा। तो ये एक बहुत बढ़िया फीचर दिया है। उसके बाद में फेस आईडी के अंदर कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, सिर्फ अल्ट्रा वाइड एंगल का कैमरा दिया है और बैक में आपको डुअल कैमरा मिला है, अल्ट्रा वाइड एंगल और अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। उसके बाद में दोस्तों, आपको लाइडर सेंसर जैसे पिछले साल में मिला था, सेम ही लाइडर सेंसर आपको मिलेगा इस साल में, बट M1 चिप जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर दिया गया है। तो AR जो आपको इसके अंदर फील होने वाला है, और वो बहुत ही पावरफुल AR फीलिंग मिलेगी आपको, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप एक पावरफुल AR क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 2.5 साल से मैं iPad Pro 2018 को यूज़ कर रहा हूँ और मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ जब मैं स्पेशली आउटडोर में होता हूँ। जितनी भी मैं वीडियो एडिट करता हूँ या फोटो एडिट कर रहा हूँ, वो सब इसके ऊपर होती हैं, जो प्री वर्क होता है सारा इसके ऊपर किया जाता है। तो मैं वेट कर रहा था कि iMac आएगा कोई पावरफुल प्रोसेसर के साथ, बट एप्पल ने इस साल का जो अभी iMac रिलीज किया है वो सेम ही M1 चिपसेट के साथ रिलीज किया, जो आपको इस साल के iPad Pro के अंदर भी देखने को मिला है। तो इंस्टेंटली मैंने डिसाइड कर लिया था कि यार iPad Pro ही लेंगे, बिकॉज आने वाले टाइम में ये रूमर्स आ रहे हैं जो iMac रिलीज होने वाला है प्रो वर्जन, उसके अंदर आपको M1 चिप का सेकेंड जेन का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 16 कोर का GPU और 16 कोर के CPU के साथ में और 32 कोर के न्यूरो इंजन के साथ रिलीज होने वाला है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है अपने iPad Pro को अपग्रेड करने का। उसके बाद में जो इसकी पोर्टेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़िया है, तो ज़्यादातर जो मेरे को काम है वो मैं सारा पेंसिल से करता हूँ, जो भी ड्राइंग वगैरह अपने ब्लॉग्स के लिए करनी होती है वो सारी इसके ऊपर ही की जाती हैं। तो ये एक और मेन रीज़न है जिसने कॉन्ट्रीब्यूट किया है कि मैंने iPad Pro के ऊपर इन्वेस्ट किया है। आने वाले व्लॉग में कंपेयर करेंगे 2021 के iPad को 2018 के iPad Pro से, देखेंगे इसकी परफॉर्मेंस स्पेशली वीडियो एडिटिंग और फोटो एडिटिंग में कैसी रही है, रेंडरिंग कितनी जल्दी होती है, वो सब इसके अंदर कवर करेंगे। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, बिकॉज वो कॉन्टेंट आप मिस नहीं करेंगे बेल आइकन को दबाने से। और दोस्तों, मेरे चैनल पर बहुत सारा टेक रिलेटेड और ट्रैवल रिलेटेड कॉन्टेंट भी आने वाला है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और दोस्तों, मेरे चैनल पर चल रहा है कैंपेन, आप में से 1000 लोग जो पहले सब्सक्राइब करेंगे उनमें से एक लकी विनर को मिलेगा फ्लिपकार्ट का ₹5000 का गिफ्ट कार्ड। उसके लिए दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, जो साइड में आपको वीडियो दिख रही है इसके ऊपर आपको जाके कमेंट करना है और सब्सक्राइबर के कमेंट्स को यूज करके हम लकी विनर को इंस्टाग्राम के लाइव के ऊपर डिक्लेयर करेंगे। तो आप मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा इनिशियल रिव्यू iPad Pro 2021 12.9 इंच वर्जन वाले के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, मैं आपको जल्द ही मिलूंगा आने वाले व्लॉग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।